ध्यान सिर्फ काम नहीं होगा, मैं इधर उधर नहीं देखता बिल्कुल भी। और ध्यान कोई आ जाए दुनिया का आदमी, मैं जो मेरा अपना असूल है मैं उस पर चलता हूँ। सांस दिल लेता है, डरता इसलिए किसी से नहीं हूँ, सब सच बोलता हूँ। शास्त्र में लिखा है स्पष्ट वक्ता न बन कर, आपका आपकी आत्मा साफ है इसीलिए आप क्लियर हैं। निर्भीक निर्भीक रहता हूँ इसीलिए हमेशा। हम दोनों भी वही है, ऐसा है कि मैं ढंग से नहीं देखूंगा, मैं कान देखूंगा, कान पहले वो देखूंगा। आप आयो कष्ट में, अगर पैसे नहीं होंगे वापस नहीं कर दूंगा आपको मैं। देखिए मेरा ये जवाड़ के अंदर आगे तो इससे मैं देखूंगा। ये जो कान है ना, इस कान में सुबह से मुझे भयंकर पेन हो रहा है, और मैंने वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक कान साफ करने वाला होता है, उसको मैं तेल नहीं डालने दिया, लेकिन मैंने कहा कि इसको तुम साफ करो, तो उसने जब साफ किया तो हल्का हल्का सा काला काला सा कुछ निकला था। आप कहाँ रहते हो? मैं तो रहता हूँ बॉम्बे, मैं इधर आया हुआ था अपने किसी डॉक्टर साहब। आपने वो देखा बिग बॉस? यार मैं ये सब देखता नहीं। अच्छा करते हैं बिग बॉस में ये सीरियल वीरियल चैनल फैन में देखते हैं। बिल्कुल अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। मुझे 15 साल हो गए देखते हुए। बिग बॉस में पार्टिसिपेट क्या था? मैं तो 15 साल बोल रहा हूँ, मैंने सीरियल भाई न्यूज देख लेता हूँ बस। तो न्यूज में तो आपने मुझे कई बार देखा होगा, मैं तो नेशनल मुद्दों पे उसको थप्पड़ मारता नहीं लेकिन चैनल पर। बाकी टाइम कितना पेशेंट के पीछे मुझे, अब आप आ गए, अब तीसरा चौथा आ जाएगा, 2 मिनट मुझे जो टाइम मिल जाता है मैं देख लेता हूँ। आपके एरिया में मेरे कई पॉलिटिकल स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, मेरे भक्त लोग हैं, तो उन्होंने पॉलिटिशियंस भक्त लोग होंगे ना, उनको अपनी जिंदगी देखनी होती है आगे, ऐसे रख लो यार। मुंह खोलने में पेन तो नहीं है? मुंह खोलने में दर्द तो नहीं है? नहीं, यहाँ जबड़े में, यहाँ पर है दर्द अन के नीचे से, और इस साइड में जबड़े पे मुझे। आप रहते बॉम्बे में ही हो? हाँ, मैं तो यहाँ पर वो जो आज जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, मैं ऐसे भी इधर मेरे कुछ भक्त लोग हैं उनसे मिलने आ गए, लेकिन दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। हॉस्पिटल में मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर हजार बिल लग जाएगी सेल्फी लेने वाले, इसलिए मैं हॉस्पिटल में जा नहीं सकता। क्यों? वो चूंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ ना, और फिल्मों में, अरे वो मेरा टाइम बहुत बर्बाद करता है, हजारों बिल लग जाती है सेल्फी मेरे साथ खिंचवाने में, मेरा टाइम बर्बाद होता है। और उससे 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 क्या होता है, उनको फायदा है, मुझे तो फायदा है, मुझे पब्लिसिटी चाहिए नहीं, पब्लिसिटी मुझे पूरी दुनिया बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे दाबने में दर्द होता है। देखो बीमारी तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, दूसरा दिखा रहा हूँ वो भी ऐसे नहीं, इसमें कोई दर्द वर्द नहीं है। देखो सूजन देखना चाहता हूँ कितनी है, इसमें आए जस्ट मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कितनी सूजन आ रही है इसमें। अब ये देखो, मैं जस्ट वांट टू कंपेयर, ये पूरा सूज रहा है, पूरा ही सूज रहा है, आप ठीक है? ये आज हुआ है सारा? हाँ, मतलब कल थोड़ा सा महसूस हुआ था। उसके साफ करने के बाद हुआ है? नहीं, साफ करने से पहले हुआ, तभी मैंने साफ कराया था, मैं कभी साफ करवाता नहीं हूँ। इसमें आपके फंगस लग गया काम में? हाँ, फफूंदी समझते हैं ना? हाँ। डायबिटिक तो नहीं हो आप? नहीं, मैं डायबिटिक तो नहीं हूँ। कोई और बीमारी तो नहीं है? ना, कोई नहीं। ठीक है, तो पूरा काम फफूंदी से भरा हुआ है? हाँ। और वो अंदर ना डॉक्टर साहब, जैसे आपसे मैं इसको दबा करके रखता हूँ वो भी दर्द, इसको छोड़ देता हूँ, अंदर से जरा सा चिपक जाता है, फिर मुझे चिपक जा रहा है, और वो आवाज फिर मुझे कम सुनाई देती है। वो उसमें फफूंदी पूरी भरी पड़ी है। हाँ, तो इसमें अब ऐसा है, या तो आप कब जाना बॉम्बे आपने? मुझे जाना तो आज ही था, लेकिन ऐसा करता हूँ मैं होकर के वापस मेरी बात सुनो। ऐसा है, मैं पर्चे पर बीमारी का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ड्रॉप भी लिख दे रहा हूँ जिससे कम से कम ट्रीटमेंट आप चालू कर दो, और इसको सुखाने का कोई एंटीबायोटिक? मेरी भाई साहब बात तो सुन रहा है, अभी आप जब वहाँ जाओगे वहाँ ENT को वहाँ दिखा लेना, जिस एरिया में भी रहते हो आप वहाँ ENT भी चले जाना। अभी मैं आपको डायग्नोसिस करके लिख देता हूँ, तो ये ड्रॉप आप हर घंटे घंटे में डालना शुरू कर दो, मैं तरीका भी बता दूंगा आपको ड्रॉप शुरू करके डालना, और बाकी फिर आप वहाँ जा करके उनके वहाँ जो भी आपके ENT को होगा आप आज चले जाओगे, फ्लाइट शाम की होगी, रात की जो भी ट्रेन होगी, शाम की फ्लाइट है? हाँ, मेरे कुछ भक्त लोग साथ जाने वाले हैं। हाँ ठीक है, आज की है ना,
जाना आज या कल जाना है? सही कल सुबह जाना है। कल सुबह, बहुत बढ़िया, सुबह निकल जाओ आप, सुबह जाके फिर वहाँ अपने वहाँ ईएनटी को जो भी आपके हो उसको वहाँ निकालो। डायग्नोसिस बता दिया मैंने, फपूंदी रही पड़ी है कान में, तो बाकी ये ड्रॉप डाल दो। पेन होता है तो पैरासिटामोल की गोली, पेन तो भयंकर है, भयंकर पेन है। क्रोसिन या कॉम्बिफ्लेम की गोली आती है, खा लो आप, जिससे वो लिख दीजिए ताकि वो पेन आपको शांत हो जाए। बाकी जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई खाओ मत आप, ये ले लो, कुछ खाना होना खाते गोली खा लेना, ड्रॉप्स बता रहा हूँ फिर दो दो घंटे में। बाकी पड़ता मैं आपका कान का देखने जा रहा हूँ, क्योंकि सारा का सारा फपूंदी रही पड़ी है। और ये जनरली इसी सीजन बरसातों के सीजन में नहाओगे तो रूल को पहले कॉटन को नारियल के तेल में या कोई ऑयल हो, वेस्टर्न क्रीम हो, उसको धोबो के नीचे पानी रखते हैं, पानी वही हुआ है, पानी गया है उसी की वजह से हुआ है। बाकी बताओ, मरीज एरिया के जितने डिवोटी की तारीफ कर रहे थे उससे ज्यादा हेल्पफुल है। भैया पैसे देख के थोड़े किसी को इलाज करता हूँ, आपने पहले पूछ लिया, लेकिन आप भी बहुत ऑनेस्ट हो। आपने कहा मैं इतने लाया हूँ, मैं देने लायक हूँ, मैंने मुझे बड़ी अच्छी लगी बात आपकी। मैंने कहा चलो आप सोचते तो मेरी तरह ही हो, कम से कम साफ बात तो करते हो। कभी भी यहाँ क्योड़ के अंदर आने के बाद मैंने किसी को ये नहीं कहा मैं नहीं देखूंगा तुम्हारे पास पैसे। हमारे यहाँ तो साथ में रुक सब लिखा है, विवाद मानव जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम किसी के काम आए। मैं असली साधु आपको समझता हूँ, क्योंकि आप हमेशा हर एक का दर्द आप हरते हैं, इससे बड़ा तो साधु कपड़े से कोई साधु नहीं होता। क्या होता है सुबह से कितने लोग आप गेरुआ वस्त्र पहन के, अब कभी गुरुद्वारे वाले, कभी मंदिर वाले, ये कभी क्या बताऊं, वो जो ग्रीन कपड़े पहन के वो जो चादर लेके वाले कभी वो निकल जाए, आप तो यार पागल ही बन जाते हैं। दिन में मतलब मानो मैंने वैसे गुलेरिया, डॉक्टर गुलेरिया से मैंने बात की, डायरेक्टर हैं एम्स के वो, तो वो चेटली जी को दिखा दो, वो मेरे बहुत पुराने भक्त हैं। तो क्योंकि उनको पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबका इलाज मैं उनसे करवाता रहा, उनके परमानेंट डॉक्टर रहे हैं, अब तो डायरेक्टर तो अपन है। यहाँ का सत्यनारायण रुके हो उसके पास? सत्यनारायण रुके नहीं, यहाँ मैं नहीं रुका हूँ, मैं किसी मिनिस्टर के यहाँ रुका हूँ। मेरे एड्रेस तो भी बताया होगा जी। हाँ वो तो कई भक्त है हमारे बाहर, आपके ना केमिस्ट की शॉप है बाहर, ये अपना ये पॉकेट के अंदर, तो उन्होंने बोला कि हाँ करें ड्रॉप हम ऐसे नहीं दे सकते, आप डायरेक्ट उनके पास जाइए, गले में कोई इफेक्ट पड़ सकता है आपको। तो उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर, आपका नाम उन्होंने सजेस्ट किया था कि वहाँ से ले जाइएगा। स्वामी ओम जी, स्वामी ओम, आपकी तरह आपकी राइटिंग भी खूबसूरत है। बस हवा आएगी कान में आपको और कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा वैक्यूम ट्यूनर है, आप वो समझ लीजिए। हमारे एक भक्त यहाँ एडमिट थे अपोलो में जी, टीवी नरसिंह महाराज सॉरी, तो उनका वो उनका वो फंस गया एक बार कफ गले में, तो वो अंदर घुसेर करके वो सारा निकाला, सक किया, वैसे कष्ट भी नहीं है ना? ना ना कष्ट
और नहीं निकालूंगा मैं, ऊपर ऊपर का मैंने निकाल दिया लेकिन अभी भी है उसमें, पूरा क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि वो बिल्कुल आप खुद फील कर रहे हो, इसकी जरूरत तो नहीं ना, उसको मत छोड़ दीजिए, ठीक है, ये अभी आप खुद भी फील कर रहे हो कि वो हिल रहा, खींचने की कोशिश कर रहा है पर वो आ नहीं रहा है क्योंकि वो जिंदा है, थोड़ा सा आराम मिला, आराम मिल गया, लेकिन वो क्या है कि अभी वो पूरा दवा पड़ेगी ना और रिलीफ होगा, जैसे फंगस मरेगा तो चमड़ी तो छोड़ देगा, जितनी देर में मैंने किया है इतनी देर में तो मैं दो कान साफ कर देता हूँ, जितनी देर में अभी आपका मैं एक पूरा भी नहीं कर पाया, इतनी देर में तो दो कान फंगस निकाल करके छुपी कर देते हैं, लेकिन चूंकि चिपटा हुआ वो तो मैं चाह ही रहा था कि इतनी जगह बन जाए कि दवा घुस पाए अंदर, वो घुस गई दवा उसके अंदर, अभी कर लो आप और फिर वही बॉम्बे में बाकी कमाल देखिए बॉम्बे में करा देना, ये फोए वाला काम बहुत जरूरी है, कोई चीज ना समझ में भैया मेरे को फोन करके फिर पूछ लो, लेकिन अभी अच्छे से समझ लो भाई, खूब दवा डालो, हर डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे में दवा डालो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, कॉटन का छोटा वाला पैकेट कॉटन छोटा पैकेट मिल जाएगा, तीन चार का पैकेट आएगा, ये ड्रॉप 10-12 रुपए का आएगा, एक ये आएगा 45 रुपए का, दो बोतल खरीद लेगा इसकी, इसकी भी दो ले लेना क्योंकि ये फोए में भिगो के डालनी पड़ेगी, आधी दवाई तो फोए ले लेगा इनका, समझ लो ना, ये वाली ड्रॉप फोए में भिगो के समझाया ना इनको, दर्द कुछ कम हुआ पहले से, ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट ये है असली, आपको आराम मिलेगा जब वहाँ बॉम्बे में आपको 3-4 दिन के बाद निकालेगा ना वो, अभी मैंने ऊपर ऊपर का निकाल दिया, अभी वो पड़ना तो बहुत दूर है, हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।